इस समय का जिक्र है कि सालव देश में राजा धूमत सेन राज करते थे। उनके राज का सारा काम उनका वजीर चोंडा राय देखा करता, सब काम संभाला करता। क्योंकि राजा धूमत सेन जन्म से ही अंधे थे, उनके यहां एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम सत्यवान रखा गया। सत्यवान अभी 14-15 साल का ही हुआ था कि चोंडा राय वजीर के मन में बेईमान आ जाता है और सोचता है कि राजकुमार सत्यवान बड़ा होकर अपनी राजगद्दी ले लेगा। इसलिए चोंडा राय राजकुमार सत्यवान और राजा रानी को तीनों को महल में आग लगाकर मारने की योजना बनाता है। लेकिन कुछ वफादार सिपाही राजा रानी और राजकुमार को सुरंग के रास्ते से जंगल में छोड़ आते हैं और जंगल में जाकर वो अपनी झोपड़ी डाल लेते हैं। तो लड़का सत्यवान एक नगरी के अंदर एक लाला के पास जाता है और जाकर लाला से क्या प्रार्थना करता है, क्या बताए एक बार के द्वारा बता। मैं आदमी गरीब लाला, वो दया कर लिए, टोटे मैं दुखिया के लते अगण धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए।
तोड़ के लाल लला अरे के मजरिए सुन के सत्यवान की लाला कहने लगा कि भाई की बात है नुक लगे कि लाला जी मेरे मात पिता भूखे बैठे हैं मेरे पर रहम करो और ये मेरे कपड़े गहने धर लो और एक डोरी और कुल्हाड़ा दे दो। तो लाला ने रहम आ गया और सत्यवान को एक वक्त का खाना हो और डोरी और कुल्हाड़ा दे दिया और कहा कि जंगल से लाकड़ी काट के लिया करो और भोजन ले जाया करो। अब इसी तरह से 3-4 साल बीत जाते हैं, इनको यहीं पर छोड़ो। और उधर से राजा अश्वपति के यहाँ जो लड़की अग्नि देवता को प्रसन्न करके प्राप्त हुई थी वो लड़की सावित्री जवान हो जाती है। और एक दिन लड़की सावित्री अपने पिता राजा अश्वपति के पास जाती है और कहती है कि पिताजी आप इतने उदास क्यों बैठे हो। तो ये बात सुनकर राजा कहने लगे कि बेटी मैंने तेरे लायक कोई वर नहीं मिला, मैं दुनिया में घूम लिया। और अपनी पुत्री सावित्री से कहता कि बेटी तुम अपना वर खुद तलाश करो। तो पिता की आज्ञा पाकर वो सावित्री एक रथ में सवार हो जाती है और सब सामग्री साथ लेकर और एक बूढ़ा मंत्री साथ लिया और अपना वर खुद तलाश करने के लिए चलती है। और क्या क्या सोचती हुई चलती है कि हे भगवान मेरे को कैसा वर चाहिए, कैसा वर मिलना चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए उसके अंदर, क्या क्या सोचती चलती है क्या बताया। बोली वा अर्थ जोड़ा के चाल पड़ी वर जोड़ी का पावे देखे हे मलक तेरा भजन करू चार मेरी जो जमला अर्थ जोड़ा चाल पड़ी की
पर चोरी का पावे ये मलिक तेरा भजन करूं जे मेरी जोत में लावे छोरे की बहू बनू दो है उस छोरे की बहू बनू दो आज के लाड लड़ा भगवान मने किसे की महल हवेली भी नहीं चाहती चाहे टूटा फूटा झोपड़ा हो लेकिन ये गुण होने जरूरी है कौन से क्या कहा मैं उस छोरे ते ब्याह करवाऊं जिन्हें ऊंच नीच का डर हो सीधी डगर चलन आला हो हाजर नजर नरे हो देखे मैल हवेली ना कहिए कहे टूटा फूटा घरे हो आए उस पीर का के चीना जिसका बेसोदी का बरे हो सारी उमरी दुखी रखे वो सारी उमरे दुखी रखे मूरख तेरा मैं बचावे ये मलिक तेरा भजन करूं दे मेरी जोत में लावे सत्संग था रावण का नास कुटुम का करी गया आए खोटा सत्संग था बाली का है बन आई मरी गया आ खोटा सत्संग था चंद्रमा का वो करणी का दंड भरे गया आए खोटा सत्संग करने आला कौन सा पर उतरी गया खोटा सत्संग करने से खोटा सत्संग करने से यो वंश नष्ट हो जावे ये मलिक तेरा भजन करूं दे तेरी जोत में लावे
पढ़ मंदिर से पढ़ मंदिर सजाया करता दीपालिया बताई ओए मुंशी जी ने डंडा मारा आ जा अखा पाई फिर पिता ननू सोची ने अलकी कर सखाई शरबत नमी के नहीं गया हसी खरागनी गई दुनिया के माँ जाट मेहर संगी दुनिया के माँ जाट मेहर संगी क्यों लोचा पुत कहा सावित्री अपने पति को तलाश करती हुई सारे संसार में ब्रह्मांड में घूमती है लेकिन उसको अपनी जोड़ी का वर नहीं मिलता। तो निराश होकर वापस घर की सुरती लगा लेती है लेकिन चलते चलते एक जंगल में सावित्री को एक पेड़ पर एक नौजवान लड़का लकड़ी काटता हुआ दिखाई दिया तो अरथ वहीं पर रखवाकर उस नौजवान के पास जाती है और क्या कहती है और वो लड़का क्या जवाब देता है तो दोनों की आपस में किस तरह से बातें होती हैं क्या बताया भला। ओ उतर पेड़ते तड़े एक बे मन मेरा डटने आरे आरा क्यों खोबे सटे मछली तारे हम लकड़ी कटने आरे उतर पेड़ ते तले एक बे मन मेरा डटने आए पर क्यों खोबे सटे मछली तारे हम लकड़ी कटने मैं मेरा
चरिया बेस्की बेल मरिया कर चरिया बेस्की बेल मरिया कर आप बेस्ता तने आले हम अचक काले नाग तैरते कद नारे पटने आले कुतर पेड़ते शादी करके जन्म कैद हो शादी करके जन्म कैद हो जीना खाए हो यार करे वो बिने शादी के मलंग गाबरू ये उतलंगाड़े होया करे अरे घर वासे में कुटुंब फैल जा जीना खाए हो यार करे वो जिस घर में बहु बालक ना चंद्र लाल भगवान भगत के चंद्र लाल भगवान भगत के बिगड़े काम सटने आले वो खोदनिया च एक जना परे लखा हो अटने आले उतर पेड़ ते तले एक पे अब सत्यवान इनकार करके अपनी कुटिया की तरफ चल देता है लेकिन सावित्री नहीं मानी पीछे पीछे चलती रही और चलते हुए सत्यवान से वो सावित्री क्या कहती है और वो लड़का सत्यवान क्या जवाब देता है किस तरह से बातें होती है दोनों की क्या बताया तू जा मत डट जाओ डट जा तू जा मत डट जाओ डट जा सुन बात मेरी सुन बात मेरी कह दे दूर ते ये सचात तेरी से धनवान डट सके नाम हरे
नहीं लिए ढूंढे ठिकाना और दो डंग धर के जाने बचावे कौन तेरे बिन छाया अंधेरा घोर मर जा डर डर के अरे मारा रजटन की जंगर नहीं लिए ढूंढे ठिकाना और दो डंग धर के जाने बचावे कौन तेरे बिन छाया अंधेरा घोर मर जा डर डर के अरे रया सुगंधा दका जकी मर मर के आज आज ले दता आई दुख भर के रया सुगंधा दका कती मर मर के आज आज ले दता आई दुख भर के हाँ कर कर नट जा रनट जा हाँ कर कर नट जा रनट जा ऐसी जात तेरी ऐसी जात तेरी ऐसी आदत ना बनी वाहिया फैल जा ओ सारा दुख की खान कहीं दुनिया रदारी ओ मेरे कहे ते ब्याह करवाले कर ले बहु जवान बन जा घर बारी और घर वासी मर कुटुंब फैल जा ओ सारा दुख की खान कहीं रे दुनिया हदारी नखरे के अमर डोले नारी नारी वीर मर्द ते बोले नारी प्यारी कहीं नखरे के अमर डोले नारी नारी सारी बेपता बट जा बट जा सारी बेपता बट जा बट जा तेरी साथ है मेरी तेरी साथ है मेरी जाने गया सारे गया लागगी ओली साथ मेरी तू ता मत डट जा सुन बात है मेरी सुन बात है मेरी कह दे दूर ते ये सताद तेरी कह दे दूर ते ये सताद लाख लगाया मैं तू एक सल देखन जो जीबीर परिया कैसे रंग मैं जीता वे ते चंद्रलाल मैं कर लूं साजा शीर बाए अंग में और लाख लगाया मैं तू एक सल देखन जो जीबीर परिया कैसे रंग मैं ओ जीता वे ते नंग मैं पति नंगा मत चोरे ओ नी तंग मैं केते गिर मेरे धोरे कति सू नंग मैं पति नंगा मत चोरे ओ नी तंग मैं मारे कुसंग मगट जा गट जा मारे कुसंग मगट जा गट जा करा मात तेरी देखिए बता के ओ बात है मेरी तू जा मत डट जा
फतेहवान इनकार करता रहा और चलता रहा, और सावित्री देख कहता रहा कि सावित्री मेरी तेरी जोत नहीं मिलेगी, तू अब वापस चली जा किसे राजकुमार को टोले, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, अपना भेद बताता है। लेकिन वो सावित्री साथ साथ चलती रही और कहने लग गया कि मैं निर्धन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, जनी बोली मन ने भी कुछ ना चाहिए, जब मन तू चाहिए और गणी मैं लवेली की भूखी में बिना सर। तो किस तरह से बातें होती है चलते चलते, क्या बता भला। अरे तन भेद बता दू रे सारा, मैं निर्धन गरीब बेचारा रहूं एकला मैं नारा, मेरा घर बार नहीं से कटीर परिवार नहीं से, मेरा घर बार नहीं से कटीर परिवार नहीं से। परिवार
बहुत समझाया सत्यवान ने, और समझा कर चल पड़ता है। और पीछे पीछे सावित्री चलती रही, और सत्यवान अपनी कुटिया में जब बढ़िया तो उसकी माँ पाया का खुड़का सुन के नुकिन लगी, बेटा आज तक नहीं बार लादी कड़े रह गया था। तो सावित्री जान गई कि यही सत्यवान की माँ है, और भाज के पैर पकड़ लेती है, और वो उसको सत्यवान सोचती है तो किस तरह से पुचकारती है और क्या कहती है, और सावित्री फिर उसका क्या जवाब देती है, क्या बताया। नो बोली रे आ बेटा सत्यवान तेरे ते, अरे आनंद आत्मा मेरी सासु देवर दान शबतरी अपने बोढ़िया तेरी, आ बेटा सत्यवान तेरे ते या आनंद आत्मा मेरी, सत्यवान की बहु कड़े जब वो ही सगाई को मन भी सासु ई बतलग शादी करवाई को ना, कौन सा हो या खोट बाप न जो बेटी ब्याई को ना, आए जो ये खोटे मेरी जोड़ी का वर दिया दिखाई को ना, के भरत खंड में शेर रहे ना, भरत खंड में शेर रहे ना, न तू सीनी नसीहत तेरी, आए भरत खंड में एक मिला सत्यवान जो टिका गेरी, आ बेटा समी बण है आपका, कदे झूठा दोष लगा दे मेरा छोरा पड़ी खापका, मैं झूठ बोलती नहीं राम देखनिया पुण्य और पापका, बण मैं बोले शेर बगेरे, बण मैं बोले शेर बगेरे, आए डर जा रात अंधेरी मेरा के कर लेगा शेरपति मेरा उनके ऊपर ला ले री, आ बेटा सत्यवान तेरे ते सत्यवान के साथ लाडली बहुत गणे फंदे से, नहीं मात पिता से दूर सोता जो बचना के बंदे से, मेरा सत्यवान लकड़ी आ रहा हमें मात पिता अंधे से, आए कदे लाभ कदे गाड़ी सासिए दुनिया के धंधे से, कदे झूठा दोष लगा के बहू तो झूठा दोष लगा कर दे तू बढ़ेरी, मेरी साफ आत्मा
से सासू सब भूली हेरा फेरी आ बेटा सत्यवान करे ते पक्की हो कर रही है बहु जिंदगी पर दुख अड़े से आए लख कर्म का री सासू यो भोगना जरूर पड़े से आए चंद्र लाल इंसान छोड़ को काका बीच पड़े से एरी मिले बनाना मूल जिसका जो संस्कार जड़े से आए क्यों कर जी लगेगा तू ये तेरा क्यों कर जी लगेगा तू जवान मूठी थेरी आए जवान बहु के दौर चाहिए एक सासू बड़ी बटेरी आ बेटा सत्यवान तेरे ते आप बहुत समझाती है लेकिन सावित्री नहीं मानती और सत्यवान को अपना पति मान के और वापस अपने पिता के पास आ जाती है। जब महाराज अश्वपति ने पूछा कि बेटी कोई लड़का मिला जोड़ी का वर मिला तो सावित्री ने कहा कि पिताजी जरूर। तो कहने लगे कौन कि पिताजी सत्यवान नाम का लड़का जिसको मैं पति मान का ही हूं। अच्छा बेटी अब नारद जी वहीं पर बैठे हुए थे वो ये कहते हैं कि बेटी ये तो तूने बहुत गलती करी और तू उसको पति बनाने के लिए इनकार कर दे और मान जा। लेकिन सावित्री हट करती रहती है तो नारद जी क्या समझाते हैं सावित्री को क्या बताया देखे कहा मान ले सावित्री सही समय तेरी भलाई ये वो बर तेरे लायक ना तू जोड़ सा टो कया मान ले सावित्री से इस समय तेरी भलाई वीर की मर्द बिना चेरी है उम्र नहीं कटती पर जो नारद ने कही बात बात कटी नहीं अटकी जो नारद ने कही बात बात कटी नहीं अटकी ये सत्यवान का ख्याल छोड़ दे सत्यवान का ख्याल छोड़ दे सोने अश्वपति की जाई ए कहा मान ले सावित्री से सत्यवान का ठीक ठीक है सत्यवान का ठीक ठीक है इब कैद
तू सही हाल में आ दिखत कबो इतना या सतरा तरू लागे जलका लाल में पर सत्यवान सा पीर मेरे कोए आता नहीं ख्याल में एक कसर से वो राज कबर मर लेगा एक साल में धन देख कर मालो माल शवतरी पर बड़ीना हा को चाहिए चाहे हो कंगाल शवतरी जीते जी देखा जाते बड़ा अच्छा हाल शवतरी पर उस मानस से दामद कर जिसका नेड़ काल शवतरी उस मानस से टूटी लग जा टूटी कटे टूटी लग जा पर मौत का नहीं दबा सदा आई